पिनेकल की वेबसाइट पर जाकर ई e बुक की तरह भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं वहाँ जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हाँ जी बताइए हाँ जी हुफेयर ब्रह्मी uh, एंड क्रोष्टी स्क्रिप्ट दैट वर यूज फॉर अर्लियर प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि अशोका ने बहुत सारे वॉल इंस्क्रिप्शन पिलर रॉक लगवाए थे कालिंगा की वॉर के बाद उन्होंने थर्टीन रॉक एडिक्ट लगवाया था ये क्वेश्चन बहुत बार टीसीएस पूछता है ठीक है तो आपसे यहाँ पर क्या पूछा है आपसे पूछा है कि पहले की जो इंस्क्रिप्शन थी मेनली यहाँ पे शील, शीला शिला लेखों के बारे में बात किया गया है रॉक इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात की गई है जो अशोका ने लगवाई थी तो वो इंस्क्रिप्शन जो है ब्रह्मी एंडी स्क्रिप्ट में थी तो किसने उसको डिसाइफर किया था हाँ जी किसने उन लिपियों को समझ लिया था वो आपको बताना है जेम्स प्रिंसेप राइट जेम्स प्रिंसेप इसका राइट right आंसर है ठीक है तो पिछली बार जब क्वेश्चन आया था अशोका से रिलेटेड सेम चीज पूछी थी तब मैंने आपको इन uh, का नाम बताया था जेम्स प्रिंसेप डिसाइफर द ब्राह्मी एंड खरोष्ठी स्क्रिप्ट दैट वर यूज्ड फॉर अर्लियर इंस्क्रिप्शंस इन द ईयर 1838 एडी राइट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है व्हिच इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ एरिया एरिया की टर्म्स में सिक्स लार्जेस्ट कंट्री पूछी है देखिए टीसीएस ने फर्स्ट सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री नहीं पूछी है सिक्स लार्जेस्ट कंट्री पूछी है तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि आ, सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है फिर कौन सी है? पूरी सीरीज आपको पता होना चाहिए ऑप्शंस देख लेते हैं चाइना ब्राजील ऑस्ट्रेलिया इंडिया बताइए राइट ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर है ठीक है तो चलिए ये सीरीज कर लेते हैं हम सबसे बड़ा कंट्री एरिया के कंटेक्स्ट uh, में कौन सा है रशिया नंबर वन पे सेकंड कनाडा, फिर, फिर आता है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर आता है चाइना चाइना के बाद ब्राजील फिर ऑस्ट्रेलिया फिर इंडिया फिर अर्जेंटीना तो इंडिया का कौन सा रैंक है सेवेंथ रैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक compounds सच एज glucose are ब्रोकन डाउन टू प्रोवाइड एनर्जी into the द फॉर्म ऑफ Cal, NAC, ATP या PTA। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जो लोग बायो पढ़ते, बायो पढ़ते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड है उनको पता होगा ATP इसका आंसर है ठीक है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं यही हमारे पास फाइनल एनर्जी करेंसी होती है हमारे सेल के पास हमारी बॉडी के पास जिसको यूज करके हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती है राइट right? हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आयुष्मान भारत स्कीम वॉज स्टार्टेड इन विच सिटी इन द ईयर 2018। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में कौन से शहर में शुरू की गई थी ऑप्शंस क्या दिए आपको चंडीगढ़ झारखंड उड़ीसा या मध्य प्रदेश राइट right. आयुष्मान भारत स्कीम शुरू हुई थी झारखंड में ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितनी भी स्कीम्स जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं उनके सबके बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर क्या है झारखंड राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी आपको बताना है वट इज अ कॉम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कॉम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसमें से कौन सा है एच टी टी पी सी पी एच टीपी या टीपी ये तो ईजी है कंप्यूटर का क्वेश्चन है एच टी टी पी इसका सही आंसर है ठीक है चलिए तो एच टी टी पी की फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ ली जाती है क्या है इसकी फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नेक्स्ट क्वेश्चन वट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन सूर्य की पराबैंगनी विकरण से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है हाँ जी नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओजोन या मैग्नीशियम ओजोन लेयर ठीक है ओथ्री ओथ्री लेयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है सन की बहुत ज्यादा अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन से ठीक है चलिए और जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो इस ओजोन लेयर को डिप्लिक्ट करती हैं डैमेज करती हैं ठीक है ठीके? तो यहाँ पे लिखा गया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्लोरोबन सी एफ सी ये यह यहाँ पे इसलिए दिया गया है क्योंकि पिछले आ, सेशन में ये क्वेश्चन आया था कि जो सी एफ सी है वो कहाँ से रिलीज होती है ठीक है जिसका आंसर जो है हाँ था वो था रेफ्रिजरेंट्स राइट तो ग्रीन हाउस गैसेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको जरूर प्रिपेयर करके जाना चाहिए क्योंकि टीसीएस ग्रीन हाउस से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन को पूछती रहती है अपने एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल गांधी टू बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2018 भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसको दिया गया था ऑप्शंस क्या दिए हैं अक्षय पत्रा फाउंडेशन योही सासाकावा विवेकानंद केंद्र या सुलभ इंटरनेशनल हां जी जो इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज था 2018 में वो दिया गया था योही ही सासा कावा को राइट चलिए हां जी योही सासा कावा कौन है ही इज द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द world health organization for leprosy eradication right he won the international gandhi peace prize in 2018 right chale next question who was the governor general at the time of sipoy mutiny sipoy mutiny with the 18 1857 uh, में सबको पता है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे लॉर्ड कॉर्नवालिस लॉर्ड लॉर्ड डलोजी या लॉर्ड लॉर्ड राइट कैनिन काफी सारे लोग सी आंसर कर रहे हैं ठीक है लॉर्ड कैनिन जो था वो गवर्नर जनरल था एट द टाइम ऑफ सिपॉय म्यूटिनी जो हुई थी 1857 में राइट right? इसके अलावा बाकियों का भी आप कर लीजिए जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो कब गवर्नर बने वो बने 1786 में फिर लॉर्ड डलोजी बने 1848 में और लॉर्ड uh, हार्सटिन जो है वो भी गवर्नर जनरल रह चुके थे 1813 uh, से लेके 1823 तक वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपीसी लोकेटेड ओपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है जूरिक जनेवा ब्रुसेल्स या वेना राइट वियना वियना में है हेडक्वार्टर ऑफ ओपीसी ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में ऑस्ट्रिया में तो थर्टीन मेंबर कंट्रीज है थर्टीन uh, जो कंट्रीज हैं वो इसकी मेंबर है ओपीई की कौन कौन सी अल्जीरिया अंगोला इक्विटोरियल जीनिया गबन ईरान इराक कुवैत लीबिया नाइजीरिया ठीक है और रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच रिवर स्ट्रेच इज नोन एज नेशनल वॉटरवेज टू किस नदी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग दो के नाम से जाना जाता है महानदी गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र राइट right, ब्रह्मपुत्र तो ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है एज अ नेशनल वाटरवे टू आगे चले चलिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईसीटी नाउ इंटीग्रेटेड अंडर आरएमएसए वॉज लॉन्च इन दर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो अब आर एम एस ए के अधीन एकीकृत -एक है वो वर्ष कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया था 2009, 2006, 2002 या 2004? फोर राइट टू थाउजेंड जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है 2004 में लॉन्च किया गया था राइट right? चलिए नेम द कंपेडियम ऑफ डिजिटल इंडिया विच वॉज रिलीज इन 2019, थाउजेंड नाइनटीन डिजिटल भारत के उस सार संग्रह का नाम बताइए जिसे 2019 में जारी किया गया था डिजिटल इंडिया एजुकेटेड इंडिया डिजिटल भारत उन्नत भारत डिजिटल भारत सक्षम भारत या नई उड़ान डिजिटल भारत राइट right, डिजिटल भारत सक्षम भारत चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द फिफ्थ वॉल्यूम ऑफ which डिक्शनरी was released by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन 2019? 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का पांचवा खंड जारी किया गया था डिक्शनरी ऑफ टर्म्स डिक्शनरी ऑफ वेदास डिक्शनरी ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस डिक्शनरी ऑफ माइटर्स बताइए राइट, right. शहीदों का शब्दकोश, ठीक है तो ये जो डिक्शनरी थी ये रिलीज करी थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज अरेंज इन कितने वर्टिकल कॉलम्स हाउ मेनी वर्टिकल कॉलम्स आपको बताना है आधुनिक आवृत सारणी में तत्वों को Uh, कितनी कॉलम्स में कितने वर्टिकल कॉलम्स में बांटा गया है अरेंज किया गया है एटीन ट्वेल्व सिक्सटीन या नाइन इसका आंसर है एटीन ठीक है ये सिंपल क्वेश्चन था ये तो सभी को पता है तो 18 कॉलम्स में इसको बांटा गया है और 9 रोज है और सॉरी 7 रोज है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच वॉज द वेन्यू ऑफ फाइनल मैच ऑफ आईसीसी मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप टू आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल मैच कहाँ खेला गया था द ओवेल लंदन लॉर्ड्स लंदन एक बैंशन बेरिमिंगम या फिर ब्रिस्टोल काउंटी ग्राउंड हां जी बताइए राइट लॉर्ड्स लंडन में खेला गया था ठीक है चलिए ठीक है तो लॉर्ड्स लंडन वॉज द वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच ऑफ आईसीसी मैं क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड नाइनटीन इंग्लैंड वॉन द टू थाउजेंड नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड रनर अप वॉज न्यूजीलैंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑफ इंडिया भारत के वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं फाइव फोर सिक्स या सेवन हां जी बताइए राइट सिक्स टोटल सिक्स शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑफ़ द द फॉलोइंग सिटीज़ इन 2019, 2019 uh, G7 सम्मेलन इन में पैंतालीसवा जी सेवन शिखर सम्मेलन इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया था टोकियो लंदन बियारिट्स या न्यूयॉर्क? राइट right, बियारिट्स इसका आंसर है ठीक है तो बियारिट्स में फोर्टी फिफ्थ जी सेवन समिट हेल्ड हुआ था हुआ था वहां ठीक फोर्टी फिफ्थ जो है वो बियारिट्स में हुआ था उसके बाद फोर्टी सिक्स जी सेवन है वो हुआ था यूएस में राइट फोर्टी सेवन जी सेवन समिट हुआ था यूके में ये इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए अगर फोर्टी फिफ्थ जी सेवन के बारे में पूछा है तो अगली बार फोर्टी सिक्स एंड फोर्टी सेवन इन दोनों में से कोई भी आ सकता है चलिए आगे चले हाँ जी बिटवीन विच टू कंट्रीज हैज बीन ऑन हैेशन इन द फील्ड ऑफ पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस इन जनवरी 2019 जनवरी 2019 में बाहरी अंतरिक्ष अं, अंतरिक्ष के शांतिपूर्वन उपयोग के क्षेत्र में सहयोग पर किन दो देशों के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था इंडिया जर्मनी इंडिया डेनमार्क इंडिया फिनलैंड या इंडिया ईरान राइट इंडिया एंड फिनलैंड तो ये जो एमओ है वो साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड फिनलैंड ठीक है ताकि पीसफुली यूज कर सके आउटर स्पेस को ठीक है और ये एमओ जो है वो साइन हुआ था 2019 में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज डिस्क्राइब एज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे अ स्टेज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द कंट्री जीरो एक चरण जिसमें देश की जनसंख्या वृद्धि शून्य हो अ प्रोसेस वेयर देयर इज अ डिक्लाइन इन द बर्थ रेट प्रक्रिया एक प्रक्रिया जहां जन्म दर में गिरावट होती हो थर्ड ऑप्शन क्या है अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन अ सोसाइटीज पॉपुलेशन ओवर टाइम समय के साथ समाज की आबादी में परिवर्तन की एक प्रक्रिया और फोर्थ और ऑप्शन क्या है अ प्रोसेस वेयर देयर इज अ डिक्लाइन इन द डेथ लाइन एक प्रक्रिया जहां मृत्यु दर में गिरावट होती है डेमोग्राफिक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब आपको बताना है राइट सी अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटीज पॉपुलेशन ओवर टाइम ठीक है तो डेम दे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है इज डिस्क्राइब एज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन सोसाइटीज पॉपुलेशन ओवर टाइम ठीक है तो मॉडल क्या है द uh, मॉडल है फोर स्टेजेस चार स्टेजेस होती हैं प्री इंडस्ट्रियल अर्बनाइजिंग इंडस्ट्रियलाइजिंग ये एक हुई मैच्योर इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम ये सभी को पता है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो कौन सा होता है किसको बोलते हैं कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को राइट कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक द चिपको मोमेंट एम टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इन द उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट उतारा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट हाँ जी अपिको मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन ए आई बद्या प्रोजेक्ट या दिल्ली चलो मूवमेंट आपको बताना है चिपको आंदोलन की भांति इसमें से किसका उद्देश्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना था राइट अपिको मूवमेंट अपिको मूवमेंट जो था वो बिल्कुल चिपको मूवमेंट की तरह ही था चिपको मूवमेंट में भी पेड़ को बचाना था और अपिको मूवमेंट जो है वो उत्तरा कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था उसका मतलब भी उसका भी उसका उद्देश्य यही था पेड़ों को बचाना चलिए इसके अलावा बाकी भी आप कर सकते हैं जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था इज अगेंस्ट द लार्ज डैम बिल्ट और इन अ प्रोसेस इन द नर्मदा रिवर नर्मदा रिवर पर बहुत बड़ा एक डैम बन रहा था उसके अगेंस्ट ये आंदोलन शुरू कर uh, किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कहा किसने स्टार्ट किया था मेदा पाटकर करने राइट चलिए हु हुंग दॉलोइंग वॉन द नोबल पीस प्राइज इन दर टू थाउजेंड नाइनटीन ये कर चुके हैं हम शायद 2019 में नोबल पीस प्राइज किसे मिला जॉन बार्डिन बैरक ओबामा रनर विस या अबियस अहमद क्वेश्चन नंबर 22 राइट right, जो डी कह रहे बिल्कुल ठीक है अभी अहमद अभी अहमद को मिला था नोबल प्रीस प्राइज इन 2019 ठीक है इसके अलावा 2020 में सॉरी 2021 में किसे मिला है नोबल प्रीस प्राइज मिला है डेमेट्री मुरातोव एंड मारिया को नोबेल प्रीज मिला है 2021 में और 2019 में किसे मिला है अभी अहमद को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द मॉन्यूमेंट विच इज अ टेस्टिनी टू सक्सेसफुल री स्टोरीज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एन आर्कियोलॉजिकल साइट उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णों द्वारा और संरक्षण का प्रमाण है पालिका बाजार साची सूप इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया हां जी बताइए राइट सांची सूप ठीक है साची सूप इसका आंसर है कहां पर है ये ये आपका आ, होमवर्क है आपको बताना है कि सांची सूप कहां पर है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं सांची के बारे में ठीक है किसने बनवाया था यह मैं बता देती सांची uh, कब एन में राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ देंड हैंडबुक जुगाड़ की राजनीति गठबंधन पुस्तिका का लेखक कौन है चेतन भगत टॉम्स हैंक्स जुम्पा लहरी या सबा नकवी राइट right, सबा नकवी इसका आंसर है सबा नकवी ऑथर है पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हां जी राइबोसोम्स मेक राइबोसोम्स क्या बनाता है लिपिड, प्रोटीन वसा या स्टार्च राइट प्रोटीन राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन द सक्सेसर ऑफ जी ए टी टी कौन सा संगठन जीए टी टी का उत्तराधिकारी है ई सीओ एसओ सी डब्ल्यू टी ओ आई एल ओ या यूएनसी डी ए टी Right, WTO. WTO is the organization which has been the successor of GATT. Okay? चलिए. After independence, during the second five year plan 1956 to 61, which steel plant was set up in collaboration with Germany? Durgapur steel plant, Bokaro steel plant, Bilai steel plant, Rohrkela steel plant. आपको बताना है स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई बताइए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन है रौर केला स्टील प्लांट राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इंडिया डिट टेक द इनिशियटिव टू क्रिएट इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज भारत के इनमें से कौन से निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉर्ड रिपन लॉर्ड रीडिंग लॉर्ड इरविन लॉर्ड वेली वेल्स लोकल गवर्नमेंट बॉडीज Uh, के बारे में लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का जो आइडिया था वो किस वॉयस का था राइट लॉर्ड रिपन ये क्वेश्चन बहुत बार टीसीएस uh, पूछ चुकी है ठीक है तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में ये इनिशिएटिव लिया था टू क्रिएट अ इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ठीक है सो ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको बोला जाता था कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आंसर क्या होगा लॉर्ड रिपन नेक्स्ट क्वेश्चन विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पब्लिश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, भारत सरकार के किस मंत्रालय ने माल और सेवा कर अधिनियम 2017 प्रकाशित किया है क्या है इसका आंसर राइट सी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ठीक है आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैज द स्टेटस ऑफ महारत्न ये हम पहले भी कर चुके हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्गम को महारत्न का दर्जा प्राप्त है कौन सी कंपनी को स्टेटस दिया गया है टोटल टेन महारत्न है इंडिया में टोटल इतने एंटरप्राइजेस को ये दर्जा दिया गया है नाम बताना है आपको बताइए राइट बी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन 2019 द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग ओवर 22 करोड़ सैपलिंग्स इन वन डे ऑन 77th एनिवर्सरी ऑफ आपको बताना है किसकी 77th एनिवर्सरी uh, पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम वर्ल्ड uh, रिकॉर्ड बनाया था 22 करोड़स पौधे लगाकर ठीक है तो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर कौन से मूवमेंट की बर्थ एनिवर्सरी थी क्विट इंडिया मूवमेंट नर्मदा बचाओ आंदोलन दांडी मार्च या चिपको आंदोलन आंसर दिया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक है चलिए तो क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी पर जो है इतने प्लांट्स इसको लगाने का जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उत्तर प्रदेश में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दीडर्स साइन द ताशकंद एग्रीमेंट इनमें से किस नेता ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान जवाहरलाल नेहरू जिन्ना लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान या वल्लभ भाई पटेल जिन्ना राइट सी लाल बहादुर शास्त्री एंड अयूब खान इन दोनों ने साइन किए थे ताशकंद एग्रीमेंट पे इन 1966 नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स फॉर टू 71st, 50th, सेवेंटी फर्स्ट फिफ्टी सिक्सटी एट्थ या फिफ्टी सेकेंड राइट सिक्सटी एट्थ रैंक है इंडिया की ठीक है ट्वेंटी uh, ट्वेंटी में ट्वेंटी ट्वेंटी में इंडिया की रैंक थी फोर्टी थर्ड और अभी इंडिया की रैंक जो है ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी नाइनटीन में जो रैंक थी वो थी सिक्सटी एट और अभी रैंक जो है इंप्रूव हुई है 2020 में फोर्टी थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स फर्स्ट क्रिएटेड ड्यूरिंग सेंचुरी कौन सी सेंचुरी में सबसे पहले आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स क्रिएट किए गए थे हां जी राइट नाइनटीन सेंचुरी में आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो है सबसे पहले क्रिएट किए गए थे ठीक है तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में प्लांट माइक्रो होते हैं मैक्रोन्यूट्रेंट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन पोटेशियम एंड सल्फर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी इज सेलिब्रेटेड ऑन 21st जून 4th जनवरी 24th अप्रैल या 3rd मे राइट right. ट्वेंटी अप्रैल इसका सही आंसर है जो भी ट्वेंटी अप्रैल बोल रहे हैं बिल्कुल सही है इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म जो है वो सेलिब्रेट uh, किया जाता है ट्वेंटी अप्रैल को नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द विच ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हैज द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट पैरिस एट इट्स पेट संयुक्त राष्ट्रीय संघ के किस संगठन के पास Uh, भुगतान के रूप में पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान कौन सा है हाँ जी बताइए ठीक है यूनेस्को यूनेस्को इसका आंसर है हेडक्वाटर कहा है उसका पेरिस फ्रांस में इन विच सिटी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वॉज अ फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर ओपन बाय सी एस सी टू प्रमोट द रूरल मार्केटिंग मुरादाबाद सूरत right, मुरादा है हरिद्वार या भोपाल राइट मुरादाबाद इसका आंसर है ठीक है चलिए तो सबसे पहली फर्स्ट कैश एंड कैरी स्टोर जो है वो ओपन हुआ था कहां पर मुरादाबाद में नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट टीथ पेशेंट के टीथ को देखने के लिए डेंटिस्ट किस टाइप का मिरर यूज करते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल कॉन्वेक्स मिरर राइट कॉन्केव मिरर कॉन्केव मिरर यूज किया जाता है बाय डेंटिस्ट टू सी योर टीथ आपका टीथ देखने के लिए कॉन्केव मिरर यूज करते हैं इसके अलावा कॉन्केव मिरर और कहां कहा पर यूज होता है हेडलाइट्स में शेविंग मिरर्स में सोलर फाइनेंसिस में सर्च लाइट टोर्च फ्लैश लाइट डेंटल मिरर्स एंड माइक्रोस्कोप में व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस फ्लाइट भारत की पहली मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या था वायुयान पुष्पक यान, गगन विमान या गगनयान राइट गगनयान इसका सही आंसर है काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं ठीक है गगनयान इज द इज अ इंडियाज फर्स्ट मैंड स्पेस फ्लाइट ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाई डू स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट द नाइट सबको पता है बताइए ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट यही सही आंसर है ठीक है तो ड्यू टू एटमोस्फेयरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट जो स्टार है हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं राइट right? तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही 40 क्वेश्चंस को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी थैंक यू